सारा प्रणाम, मैं हूं आलोक द्विवेदी। दंगल के बोल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सारा समय का ये कारवां आज आ पहुंचा है पलवल। पलवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही यहाँ के रणबांकुरों ने जिस अंदाज में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, वह भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे प्रभावी होंगे, राष्ट्रीय या स्थानीय, या फिर कौन सा किस दल का कौन सा प्रत्याशी यहाँ की जनता के मिजाज को समझने में कामयाब होगा, इस सब विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण जी, इसके साथ ही जेजेपी से ब्रजेश जी और कांग्रेस से यशपाल जी, ये साथ हमारे सब मौजूद होंगे। और इसके साथ ही पलवल की तमाम जनता जो हमारे साथ दिख रही है, ये मौजूद होगी। और इन सब के अलावा हमारे स्थानीय संवाददाता, वह भी मौजूद होंगे यहाँ के समीकरण, यहाँ के फिगर बताने के लिए। और सबसे पहले मैं अपने स्थानीय संवाददाता गुरपाल जी के साथ ही बातचीत करना चाहूंगा। आप सबसे पहले यहाँ के बिल्कुल खड़े हो जाइए। यहाँ के जो मुख्य एक तरीके से फिगर, आप जातिगत फिगर, स्थानीय फिगर क्या रहे यहाँ पर, और पिछली बार किसने जीत हासिल की यहाँ पर? संक्षिप्त पलवल में करीब 2 लाख वोटर हैं, और पिछली जीत की जहां तक बात है, पिछली बार जो जीत हुई थी कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे करण दलाल, उन्होंने यहां पर जीत हासिल की थी। और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रहे थे दीपक मंगला जी। इस बार भी वही 2 कैंडिडेट हैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से। कांग्रेस के हैं करण दलाल और भारतीय जनता पार्टी से दीपक मंगला। दीपक मंगला के बारे में बताऊंगा कि वो यहाँ पे मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव की जिम्मेवारी भी उन्होंने प्रदेश में निभाई है। एक तरह से उन्हें मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ माना जाता था, और वो उन्होंने काम भी उसी तरह से किया जी। तो ये है यहाँ के स्थानीय समीकरण। और सबसे पहले हम यहाँ की जनता का तो सल्यूट करते ही है, लेकिन इससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के ग्रोवर जी के पास चलते हैं। ग्रोवर जी, इस बार स्थानीय मुद्दे काम आएंगे या राष्ट्रीय मुद्दे काम आएंगे? मेरा सीधा सीधा सा सवाल ये है कि खट्टर का काम कि मोदी का नाम? नहीं, बिल्कुल मैं कहूंगा कि मोदी जी का नाम और खट्टर जी का काम दोनों ही रहेंगे, क्योंकि राष्ट्र से अलग प्रदेश नहीं होता, प्रदेश भी राष्ट्र से ही है। तो जब यहाँ पे खट्टर सरकार ने जो काम किए हैं वो बिल्कुल उनका मुद्दा रहेगा, और क्योंकि उन्होंने जो पारदर्शिता के आधार पर नौकरियां दी और जो ट्रांसफर पॉलिसी और जो अनेकों अनेक काम किए हैं जो आज मिसाल बन गए हैं, अब से पहले हमारे प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार का जो वातावरण था वो आज समाप्त हो गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बिल्कुल खट्टर साहब के नाम पर हमारी सरकार दोबारा हरियाणा में बनेगी, मुझे पूर्ण विश्वास। ब्रजेश जी, आप जेजेपी के प्रतिनिधि हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा हरियाणा विधानसभा चुनाव का इतिहास रहा है कि यहाँ पर ज्यादातर स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ी जाती रही है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को डाइवर्ट कर दिया है। 370 के मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं गुम हो गए हैं। देखो, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि वो राष्ट्रीय मुद्दों, हम बोल रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दे पे जो चुनाव हुए तो उस पर वोट दी थी प्रदेश की जनता ने, अब प्रदेश के जो मुद्दे होंगे उन पे वोट मांगी जाए। और प्रदेश में फिलहाल इनके पास कोई ऐसा काम नहीं है जिनके उस पे आधार पर ये अपनी वोट मांग सके। हमारे पास तो अनेकों काम है, इनके पास कोई ऐसा काम नहीं है। जैसे कि अभी भी सरकार का ये फेलियर ही हुआ है, 80 एसडीओ अभी भर्ती किए थे, 80 एसडीओ अभी भर्ती किए थे, जो आज दुष्यंत चौटाला जी ने उसकी आवाज उठाई और वो सरकार को वो भर्ती रद्द करनी पड़ी। ये अभी इसका फेलियर है सरकार का। किस मुद्दे पर, किस आधार पर ये वोट मांग रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ब्रजेश जी कह रहे हैं, ब्रजेश जी के जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो आज जेल में है, किस लिए? क्योंकि उन्होंने जेबीटी जो टीचर्स भर्ती घोटाला है उसमें आय से अधिक संपत्ति के उनपे केस चल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले जो काम किया वो ये किया कि पारदर्शिता के आधार पर, जिसकी बिना बिन पर्ची बिन खर्ची, बिना जैक बिना किसी पर्ची के आधार पर नौकरी मिलेगी। आज नेताओं के पीछे केवल आप देखिएगा कि पहले ट्रांसफर करने के लिए जो टीचर्स के परिवार वाले हुआ करते थे वो लोग नेताओं के पीछे इसीलिए चक्कर लगाते थे कि भी उनको मनचाही जगह पे ट्रांसफर मिल जाए। आज 95% से ज्यादा का रेशो जो सक्सेस रेशो है, सेटिस्फेक्शन रेशो है, लोग संतुष्ट हैं, जहां वो चाहते हैं वहां पे उनका ट्रांसफर हो गया, टीचर्स खुश हैं, लोगों को भर्ती जिस मतलब योग्यता है जैसी उस योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरी मिली है। तो इससे ज्यादा आज सरकार का कोई भी कर्मचारी आप किसी
किसी से भी बात कर लो, आज सब धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, पूरे 5 साल धरने प्रदर्शन करना तो मैं बोलूंगा एक प्रदर्शन नगरी बनकर रह गई है। उसमें कर्मचारियों ने इतने जितने प्रदर्शन इस सरकार में किए, हर वर्ग ने हर क्षेत्र से प्रदर्शन हुए, ये किस बात के लिए बोल रहे हैं कि? यशपाल जी आपसे सवाल, जिस तरीके से जेजेपी का कुनबा टूट गया है उसी तरीके से कांग्रेस में भी लगभग वैसी ही स्थिति है। अशोक तंवर अलग है, हुड्डा जी का कुनबा अलग है, और हुड्डा जी के बयानों को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन है। कांग्रेस में ही अंदर कुछ लोग 370 का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग 370 का विरोध कर रहे हैं, हुड्डा जी 370 के समर्थन में उतरे हुए हैं, आप क्या कहते हैं? हुड्डा के समर्थन में जब से बहन शैलजा जी प्रदेश की अध्यक्ष बनी है कांग्रेस एकजुट है। बात रही अशोक तंवर जी की, वो इस्तीफा दे चुके हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस साथ चल रही है। अगर 370 का समर्थन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया है तो समझो कि हरियाणा की कांग्रेस ने 370 का समर्थन किया है। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ तमाम यहाँ के स्थानीय लोग शामिल हैं। आपसे ही सबसे पहले सवाल, लगता नहीं कि इस बार स्थानीय मुद्दे वो कहीं गुम हो गए हैं इस चुनाव में, जबकि हमेशा हरियाणा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे ही प्रभावी होते थे, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं होते थे, लेकिन इस बार राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है? ये जी ऐसी कुछ भी बात नहीं है, मैं इनकी बताता हूँ। अगर इनसे मुद्दों की कोई बात कर लेता है ना तो ये मोदी मोदी गाने लगते हैं। आप इनसे कभी भी बात कर ले, कभी भी कहीं भी डिबेट करके देख लो, उसमें उसका मनोहर लाल खट्टर का नाम नहीं आने देंगे, किसी का भी नहीं, सिर्फ मोदी 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 को तो एक ब्रांड के तौर पर बनाया जा रहा है इन लोगों की तरफ से। यदि अगर इन लोगों ने सैकड़ों काम, ये कह रहे थे बीजेपी वाले कि हम सैकड़ों काम करवा रहे हैं, तो इन बाबूजी से ये पूछ के देखो भाई, सैकड़ों काम तुम करवा रहे हो, तुम्हारे टिकट के लाले कैसे पड़ गए? दीपक मंगला जी के टिकट के लाले पड़ गए, 3 दिन तक टिकट अटकी रही थी। यदि अगर वो काम करवाते तो, काम अगर उन्होंने काम करवाया तो उनको एक ही झटके में टिकट मिलती। आप क्या कहेंगे? खट्टर साहब तो इतने सत्ता में इतने चूर हो चुके हैं कि लोगों की गर्दन उठाने की बात करते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल, इस पर भी हम अभी गुरुवर जी से बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ जनता के तमाम और भी यहाँ पर मतदाता मौजूद हैं पलवल क्षेत्र के, आप बताइए। इस सरकार में कोई भी कार्य तेजी से नहीं हो पा रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, मतलब हाँ मतलब सभी युवा बेरोजगार है आज, कोई मतलब कोई भी काम हो नहीं पा रहा ठीक से, किसान परेशान है। तो अभी पिछले 5 सालों में यशपाल जी यहाँ पर, पिछले 5 सालों में आपका ही विधायक रहा है यहाँ पर, लेकिन हम लोग अभी देख रहे थे यहाँ पर और तमाम सारे लोगों से बातचीत भी हुई, लेकिन स्थानीय जो कार्य होते हैं उन वो कहीं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कहीं देखने को नहीं मिला। विधायक जी तो सत्ता में थे नहीं, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल सत्ता में नहीं थे, लेकिन विधायक का रोल बड़ा होता है और विधायक बगैर सत्ता के लिए काम करता है। विधानसभा में मुद्दे उठाना, उन्होंने मुद्दे उठाए और जितना हो सकता है उनकी ग्रांट और विकास कार्यों के लिए आई है, लेकिन सत्ता में यहाँ के दीपक मंगला जी हैं जिन्होंने सिर्फ भय और भ्रष्टाचार का माहौल बनाया है। जिस बात को ये लोग कहते हैं कि इनका प्रशासन ठीक रहा, मैं बताना चाहता हूँ पलवल के अंदर सबसे ज्यादा बेईमानी हुई है, और इनके इनके जो भाजपा के प्रवक्ता जी बैठे हैं वो नगर परिषद के बारे में बताएं करोड़ों रुपए के किस तरीके से लोग डकार गए हैं, सेक्शन 35 के अंदर करोड़ों का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पूरे पलवल के अंदर शहर के अंदर जहां भी काम हुए हैं उसमें से आधे से ज्यादा ये लोग खा गए हैं, 10 लाख का रास्ता बनाते हैं, 5 लाख लगाते हैं। इन्हीं वार्ड के पार्षद जी के वार्ड के अंदर एक सड़क बनी जिसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, पहले सीमेंट की बनी फिर उसमें तारकोल डाला गया। इस तरीके से इन लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार का माहौल तय किया और कुछ नहीं किया। मेरे साथ कुछ और भी जनता के लोग हैं, बिल्कुल आपके साथ भी हम आएंगे, आपके पास भी आएंगे, सबके साथ बातचीत करेंगे। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ, जो इस सबका साथ सबका विकास करते हैं और किसानों की पार्टी बताते हैं, अभी कुछ दिन बाद ही जो धान की पराली जलेगी उसका धुआं 5 मिनट में दिल्ली में जाके आवाज लगाएंगे, धुआं किसानों के उससे हुआ। अब जो ये बरसात हुई है उसमें जो किसानों का नुकसान हुआ है, जो धान की फसल है, कपास है, सबका सत्यानाश हो गया, किसान माथे पे हाथ धर के बैठा है। बीजेपी सरकार का उनकी तरफ कितना ध्यान है उसके लिए जवाब बीजेपी सरकार को। अभी गुरुवार जी से इस पर जवाब लेंगे, आप क्या कह रहे हैं? मैं सबसे पहले तो मैं अपने जो कांग्रेस के हमारे भाई हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा था तो कांग्रेस जो बीजेपी ने 5 साल में काम किया है, क्या इतना पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने कोई 1% काम करके दिखाए? तो मैं मान जाऊंगा उन कांग्रेसियों को कि हमने काम किया है। कभी सत्ता में रहने के बावजूद भी इन्होंने सिर्फ सत्ता में मजबूर रहे, इन्होंने भ्रष्टाचार किया। और मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कांग्रेसियों से कि ये 125 करोड़ का जो
घोटाला हुआ था कोऑपरेटिव बैंक का, क्या उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? वो लोग जमानत पे खड़े हैं तो उनके बारे में कभी नहीं बोलते। सत्ता के बारे में, ये सत्ता में इतना है मजदूर है कि इन्हें किसी गरीब की मजदूर की कोई बात नहीं दिखाई देती। और मैं बता दूं, जिस समय कांग्रेस थी उस समय जगह जगह इन लोगों ने आपस में लोगों को भिड़वाया। ये तमाम जनता की आवाज है और इस पर हम जवाब भी लेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी जवाब लेंगे और साथ ही बीजेपी के और जीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी जवाब लेंगे। ग्रोवर जी, तमाम सारे सवाल आपने भी सुने, कौन कौन से सवाल, किसानों की समस्याएं, स्थानीय समस्याएं, तमाम सारी सड़क की समस्याएं, बिल्कुल एक एक करके आपको जवाब देता हूं। सबसे पहले तो जो मेरे भाई ने कहा कि भाई किसानों की, तो मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यहां पे जब भाजपा की सरकार बनी उसी समय ओलावृष्टि हुई। जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी, ओलावृष्टि के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी ने गिरदावरी के आदेश दिए और 1100 करोड़ रुपए का मुआवजा पूरे हरियाणा में दिया गया, जिसमें से 200 करोड़ रुपए का मुआवजा केवल जिला पलवल को दिया गया। ये कैसे कह सकते हैं कि हमने अब से मतलब किसान की सरकार नहीं है, किसान के फेवर की बात नहीं है? दूसरी बात, अभी हमारी सरकार ने, अब से पूर्व की सरकारों ने के बारे में नहीं सोचा। हमारी सरकार ने भावांतर योजना MSP बढ़ा दिया, किसान की आय 1.5 गुना से 2 गुना कर दी। इससे ज्यादा किसान के लिए क्या काम करेंगे? किसान के लिए तो बहुत काम हुआ है। और दूसरे, मेरे साथी ने कहा अब तक कभी किसी सरकार ने बाजरा नहीं खरीदा, हमारी सरकार ने एक एक दाना पिछले साल एक एक दाना बाजरा खरीदा, तो ये एक रिकॉर्ड है। तो मैं बताना चाहूंगा कि किसान के हित का जो काम हमारी सरकार हर वर्ग के लिए, चाहे वो शोषित है, वंचित है, किराएदार, मतलब मैं बात करूंगा किसान है, कमेरा वर्ग है, सबके लिए काम कर रही है। और हमारा नारा भी है सबका साथ सबका विकास। दूसरा, मेरे साथी ने कहा कि जो नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं कहना चाहूंगा भाई आप भी वहां पे हो, भ्रष्टाचार तो कोई भी करे, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम उसका विरोध करते रहे। हमारी पार्टी, हमारे सारे के सारे शीर्ष नेतृत्व, सभी नेता इस बात को कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर कहीं कोई बात गलत लगी तो इन्होंने मेरे ऊपर ये कहा था कि आप नगर परिषद में पार्षद हैं, तो हमने उसका विरोध भी किया। दूसरी बात, एक और बात कहना चाहूंगा मैं, कहीं कोई बात गलत लगी, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो साथी हैं यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक भी नगर परिषद के सदस्य होते हैं। अब तक 3.25 साल हो गए, अब तक तो विधायक जी को इसके याद नहीं आई कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं कोई बात दिखानी हो, कोई बात करनी हो तो ग्रीवेंस की मीटिंग में तो वो आते हैं, वहां तो अपनी बात कहते हैं। आज तक वो नगर परिषद की मीटिंग में क्यों नहीं आए? वहां पे उन्होंने मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि भ्रष्टाचार हो रहा है? वो भी तो उसके माननीय सदस्य हैं, वो आते। भ्रष्टाचार अगर कहीं हो रहा था वो तो आज 25 साल 5 बार नहीं, आपके जो विधायक है वो आए क्या? अब तक कभी आए वो? उन्होंने आकर के मुद्दा उठाया केवल और केवल नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, केवल और केवल ये मुद्दों की राजनीति बनाना। अब क्या है, चुनाव आ गया तो अब भ्रष्टाचार भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, उससे पूर्व कुछ भी नहीं था। यशपाल जी, 2014 से पहले आप सत्ता में थे, वर्तमान में आपका विधायक जी, उसके बाद भी ये तमाम आपके सवाल हमने लिए, लेकिन इन सब का जवाब भी आपको देना होगा। माननीय करण सिंह दलाल ने सबसे पहले तो इस पलवल को जिला बनाया, इतना बड़ा लघु सचिवालय बनवाया, यही आपके पीछे ITI कॉलेज बनवाया, अंबेडकर कॉलेज एकमात्र पूरे हरियाणा में माननीय करण सिंह दलाल जी ने बनवाया, 66 KV बिजली बोर्ड का, 66 KV का पावर स्टेशन उन्होंने बनवाया, और पूरे पलवल के अंदर चारों तरफ सड़कें बिछवाई, बाईपास बनवाया। ये भूल गए उस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को, हुड्डा को, वो बनवाने वाले कोई और नहीं थे, वो श्री करण सिंह दलाल थे। करण सिंह दलाल ने विकास की बौछार कर दी, लेकिन यहाँ इनकी बातों का जवाब देता हूँ। ये बात करते नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार है, क्या अविनाश शर्मा भाजपा का सदस्य नहीं है? क्या ये लोग भाजपा के सदस्य नहीं है? इनके जितने भी पदाधिकारी और जो कुर्सियों पे बैठे वो लोग घर बैठकर भ्रष्टाचार करते हैं, और ये लोग मानते हैं, और इन्होंने खुद भी माना कि भ्रष्टाचार हुए थे। ये तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भ्रष्टाचार की सरकार है, और अब की बार आर्थिक तंगी से हम सब जूझ रहे हैं। अनाज मंडी में आप जाके देखिए, कपास का रेट हमारे वक्त में जो हुआ करता था आज नहीं है, हमारे वक्त में 6,000 तक का रेट था कपास का, आज 3,500 रेट है। धान 1509 धान के रेट की आपको बताता हूं मैं, हमारे वक्त में वो 3500 हुआ करता था, आज 2300 रेट है, और वो भी मूल्य टाइम पर मिलता नहीं है। और ये लोग कहते हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया है, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं धान की फसल नहीं बोएंगे, मैं उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। किसान अपनी मर्जी से नहीं बोता साहब, पेट के लिए करना पड़ता है। किसानों की सबसे बड़ी पैरोकार पार्टी हुआ करती थी कभी NLO, JJP जब टूटी नहीं थी, ये परिवार चौटाला परिवार, लेकिन आज हमको लगता है कि किसानों के लड़ाई से यह भी दूर होती जा रही है। ऐसा है सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं।
उन्होंने 30 साल हमारे करण सिंह दलाल 5 साल एमएलए रहे थे, एक बार हार गए थे तो उसमें भी वो राज में रहे थे। उनके 30 काम पलवल के अंदर नहीं है, 30 साल में 30 काम वो गिना दें। बात बीजेपी की रही तो बीजेपी को मेरे जो बीजेपी के जो प्रतिनिधि कर रहे हैं मेरे साथी को अब ये नहीं पता हमारे हरियाणा के क्षेत्र में बाजरा कहाँ बोया जाता है। पिछली बार बाजरे की जो फसल थी वो 3-3 दिन हमारे जो किसान थे वो 3-3 मंडियों में पड़े रहे, जब बाजरे की फसल को 7-8 दामों में बेच कर आए। वही आज जो बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है जो अनिल विज है, जो कृषि मंत्री आज की डेट में ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, ये अपने कपड़ों को उतार के चंडीगढ़ में रोड पे नंगे डांस करते थे, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करो। आज वो कहां पे है वो स्वामीनाथन आयोग? आपने क्या किया किसानों के लिए? किसान बीमा पॉलिसी आपने बनाई है, वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आज की डेट में किसानों के ऊपर किया गया। वो पैसा वसूली उन्होंने, जो इन्होंने पैसा दिए थे वो पैसा वसूली उन्होंने किसान बीमा आयोग से किए। तो मैं बोलना चाहता हूं इन्होंने किसानों के लिए कुछ भी नहीं करे। दुष्यंत चौटाला ने एक साल के अंदर, अगर विपक्ष की भूमिका में हरियाणा के अंदर कोई था तो वो विपक्ष में दुष्यंत चौटाला ने आवाज उठाई है। 80 SDO अभी बीजेपी सरकार ने लगाए, 80 SDO जिनमें से 78 भारतीय थे और दुष्यंत चौटाला ने उसकी आवाज उठाई, और वो सरकार का फेलियर था और सरकार को रद्द करनी पड़ी। किसानों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है, आप भी बहुत लंबे टाइम तक यहां सत्ता में रहे। नहीं, हम बहुत, हमारी एक साल पार्टी बनी हुए हैं और हम नहीं, हम हमारी अभी नई पार्टी बनी हुई है, हम एक साल, हम उस पार्टी को हम नहीं जानते, हम एक साल पहले हमारी पार्टी बनी हुई है। और आज कोई विपक्षी भूमिका में तो बीजेपी वाले तो इतने डरपोक साथी निकले हमारे, इतना कमजोर नेतृत्व निकला। हम सिर्फ मुख्यमंत्री को, अभी 2 महीने पहले हम मुख्यमंत्री को सिर्फ एक ज्ञापन देना चाहते थे, इन्होंने हमें घर से उठवा दिया, इन्होंने हमें नजरबंद करवा दिया, आज हमारी आवाज भी दबाई जा रही है किसानों की। बिल्कुल, और इसके साथ ही तमाम जनता के भी सवाल है जो हम लेना चाहेंगे। सबसे पहले जनाब मेरे पास ना न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें ये लिखा हुआ है जिले में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में सबसे अधिक जमीन दीपक मंगला के पास है, जो कि 2014 में जब ये चुनाव लड़ रहे थे तब से और अब की जमीन में इनमें जो है दोगुने का वो इनमें इंक्रीजमेंट हुआ है। इसका जवाब बिल्कुल लेंगे। अभी ग्रोवर जी ने बोला था कि खादर के क्षेत्र में सारी सड़कों का निर्माण हमने किया था। मैं ग्रोवर जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि खादर में मोबलीपुर गांव कहाँ पे है? कभी आप गए हैं? कभी देखा हो कैसे जाते हैं अपने बच्चों के स्कूल छोड़ने के लिए? कैसे आते हैं? ये सारे सवाल लेंगे बीजेपी। साथ में एक और भी रिपोर्ट ये भी है कि शहर की सड़कें पी गई 7 लाख से अधिक रुपए का पानी और छिड़का आपके नाम पे कुछ भी नहीं। टैंकर घोटाला पूछो जिनसे। मैं कांग्रेस के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ, जो गरीब वर्ग है और मजदूर वर्ग है, इनका आज से लेकर 25-30 साल से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, किसी भी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। आज भी उनकी हालत जा करके देखें तो झुग्गी झोपड़ियों में उनको दिया जा रहा। आपकी बात समझ में आ गई मुझे। आज शहर में हुड्डा चौक से लेकर आगरा चौक तक पूरे शहर में लाल गोदाम रोड पे लाइट जलती है, रेलवे रोड पे लाइट जलती है, फ्लाई ओवर अलालपुर पे भी लाइट लगाई। ये आज से 25 साल पहले ना ये सड़कें बनी ना ये नालियां बनी। आखिर वो 25 साल पहले भी तो पैसा आता था फंड का, वो कहां जाता था? मैं ये प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से कि जो ये पैसा आता था 25 साल से पहले कहां जाता था, जो आज शहर में लगा हुआ दिखाई देता है। जरूर यशपाल जी से बातचीत करेंगे। मैं सबसे पहले अपने जो कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, जो खादर की तरफ जो आपने ईंटें बिछाई हुई थी, सीमेंटेड पत्थर बिछाए हुए थे, आज उन्होंने उन्हें भाजपा सरकार ने ही वहां से उठा करके वहां इतने अच्छे रोड बनाए हैं कि आज बहुत अच्छे तरीके से गाड़ियां चल रही हैं। लेकिन इन लोगों ने कुछ, आपकी बात समझ में आ गई। सबसे पहले तो मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ, जो BSNL जो कंपनी है ये इंडिया की है बाहर की है? इस BSNL कंपनी जो आज बंद होने के कगार पे है, ये सबसे बड़ा घोटाला, जो सबसे बड़ा पैसा, वोडाफोन, एयरटेल, ये बाहर की। तो ये तमाम सारे जो सवाल जनता से निकल कर आए हैं उनका सबसे पहले जवाब ले लेते हैं ग्रोवर जी से, उसके बाद यशपाल जी से। पहले ग्रोवर जी, आप ने सवाल सारे सुन लिए? सवाल है ही नहीं, इस लायक ही नहीं है कि किसी का कोई जवाब दिया जाए। मैं तो बात ये कर रहा हूँ, अगर जनता को, अगर ऐसा होता कि भाई जितना त्रस्त जनता बता रही है, तो हमारे पलवल विधानसभा से 90,000 से ज्यादा से हमारे जो कृष्णपाल गुर्जर जी भाजपा के प्रत्याशी थे वो जीत करके गए। अगर इतनी ही त्रस्त जनता थी तो इतने वोटों से क्यों जता दिया? यहां तो हम, चलो ठीक है, भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर बात कर रहे हैं, जनता ने तो वोट दिया है, वो वोटों से ही तो जीत करके गए हैं, तो तब कहां थे? इनके जमानत तक जब्त हो गई इनके कैंडिडेट की, तो ये बात करते हैं विकास की। अगर इन्होंने विकास किया होता तो जनता इनके साथ नहीं होती। आवाज है खलक नकारा है खुदा, ये जो जनता की आवाज होती है ये खुदा की आवाज होती है। आज जनता भाजपा के साथ है, मनोहर लाल खट्टर जी को दोबारा हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और पलवल से दीपक मंगला जी को विधायक बनाना चाहती है। इसी को देखते हुए आप देखिएगा, जय
जी यशपाल जी, आप विधानसभा के और सेंटर के मुद्दे अलग अलग होते हैं। सेंटर की आड़ में ये लोग विधानसभा को नहीं भूल सकते। यहाँ जो हुआ है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता इनको नकार चुकी है। जी ने तो कह दिया ना कि 370 ठीक है। हाँ, 370 का समर्थन है, लेकिन 370 की आड़ में हम बेईमानी करने के लिए कैसे छोड़ देंगे? इन लोगों ने जो यहाँ पर लूटमार मचाई हुई है उसका क्या होगा? उसका जवाब तो जनता इनसे मांगेगी ना। और यहाँ की बात करें तो अगर यहाँ के प्रत्याशी ने कुछ किया ही नहीं है, ईमानदारी से काम किया, तो दो दिन जो टिकट रोक के रखी गई वो सिर्फ इसलिए रखी गई कि वो बेईमान थे और ये लोग आपने मानी और भाजपा ने मानी। उनकी तो टिकट कटने के हालात थे, बड़ी मुश्किल से पैसा दे देकर टिकट बचा के लाए हैं। वरना मैं बीजेपी के अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, आप गांव में ग्रामीण क्षेत्र में किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाते हैं? आज नांगल से आप लाडिया के जाओ, वहाँ पे सड़क में इतने गड्ढे हुए पड़े हैं, ये नहीं पता चलता सड़क है या गड्ढा है। तो भाई की बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। मूलभूत सुविधाएं जनता के लिए, जो अगर हम बात करें बिजली की है बात, चाहे वो सड़क की बात है और चाहे पानी की बात है, आज हमने यहाँ पे तो आप देखिए कि हरियाणा के अंदर पिछले इस बार पहली बार ऐसा विभाग प्रॉफिट में आया है, क्योंकि यहाँ पे लाइन लॉस इतने थे, जनता का जो नुकसान था वो इसी उसको लेकर के दोबारा से आज बिजली विभाग हर जगह आपूर्ति करने में सक्षम हुआ है। दूसरी बात करूं मैं पानी की, तो पानी की समस्या बिल्कुल समाप्त हो गई है। आज शहर में सड़कों का जाल बिछ चुका है। तो ये मूलभूत सुविधाएं, सरकारी अस्पताल जो कि केवल और केवल गलत एमएलआर कटने का अड्डा हुआ करता था, 2000 से ज्यादा की डेली के लिए ओपीडी होती है, वहां पे दवाई, वहां पे आज पंचकर्मा सुविधाएं फ्री मिल रही है, तो इससे ज्यादा क्या है? तो मैं तो ये कहना, हमारी सरकार भाजपा ने हमेशा से जनता के लिए काम किया करेंगे, और इसी उम्मीद से दोबारा जनता के बीच में बना था इतना सुंदर बनवाया था, 42 डॉक्टर काम करते थे, आज मुश्किल से 22 डॉक्टर हैं और वहाँ दवाइयों की कमी पड़े रहते, बहुत बुरा हाल है। वो हमने बनवाया, आपने क्या बनवाया? एक भी विश्व, आपने एक ईंट रखवाई विश्वकर्मा की बिल्डिंग कर गई तीन तीन बार। आपके लोगों ने, खुद भाजपा के लोगों ने मुद्दे उठाए, बड़ौली के अंदर जो इमारतें बनाई गई उनमें सीमेंट की जगह मिट्टी, इतना बुरा हाल है। इन्होंने अपने घर भरे हैं, आज 25 करोड़ की दुकान एक मिनट ने खरीद ली, कहाँ से आया ये पैसा? दिन प्रतिदिन पैसा बढ़ रहा है। इन तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच 21 तारीख को चुनाव हो, 24 तारीख को रिजल्ट आ जाना है। जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा तारीख को पता चल जाएगा। आज हम मौजूद थे पलवल की सम्मानित मतदाता लोगों के साथ, और बहुत जल्द 24 तारीख को रिजल्ट भी कि जीत का सेहरा किसके सर बंधने वाला है। सहारा समय का एक कारवा कल शहर में होगा, आप बने रहिए सहारा समय के साथ। आलोक द्विवेदी, सहारा प्रणाम।